क्लास 10th NCERT हिंदी मीडियम आज हम पढ़ रहे हैं। इसके पिछले पार्ट मैंने आपको 1.3 एक्सरसाइज जो है वो मैंने सॉल्व करवा दी थी। अगर आपको ना आई हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया पूछ सकते हैं जाके। आपके सिलेबस में जो अगला टॉपिक है वो है दशमलव प्रसार के प्रकार। ठीक, आप क्लास 9 पढ़ के आए होंगे कि दशमलव प्रसार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं। मैं अभी फिर से बता देता हूँ। देखिए, दशमलव प्रसार के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार मतलब जिसका शेषफल शून्य आ जाए। ठीक, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में उसका जो शेषफल है आर है वो शून्य हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जैसे 3.437, ठीक, तो 7 पर रुक जाए, मतलब यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया होगा, शेषफल शून्य आ गया होगा। ठीक, तो ऐसे इसे शांत दशमलव प्रसार के, मतलब पॉइंट के बाद संख्या रुक गई। ठीक, शेषफल जीरो हो गया, मतलब शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार जैसे 3.333333 चलता ही जा रहा है। ठीक, जैसे आप 10 को 3 से भाग लगाइए, ठीक, तो यही आ जाएगी संख्या, कभी शेषफल जीरो आएगा ही नहीं। ठीक, तो आर का मान कभी जीरो आएगा ही नहीं, तो संख्याएं बार बार चलती जाएंगी, तो इसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप जा सकते हैं गैलेक्सी की वीडियो 9th क्लास की देख सकते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनावसानी आवर्ती और दूसरी अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी आवर्ती का मतलब है कि जैसे ये 3.333333, ठीक, जैसे तीन, ये तीन आए, फिर तीन वही तीन आए, आगे क्या है? तीन बार तीन है, वही संख्याएं आ रही हैं, तीन 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 तीन, वही संख्या वापस आ रही हैं। ठीक, और तो कोई संख्या आ नहीं रही। इसका मतलब क्या है? वो कौन सी प्रकार है अशांत दशमलव प्रसार का? अनावसानी आवर्ती। ठीक, अनावर्ती का मतलब क्या होता है? अनावसानी अनावर्ती का मतलब है जैसे 3.435789 12, ऐसे, मतलब देखो 435 आगे 435 आया नहीं आया, ठीक है, मतलब क्या हुआ? संख्याएं चल रही हैं, शेषफल जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन जो संख्याएं हैं वो रिपीटेड नहीं हो रही, बार बार नहीं आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वो किस प्रकार की अशांत दशमलव प्रसार में आती है, लेकिन कौन से प्रकार में? अनावसानी आवृत्ति में, अनावसानी अनावर्ती में। ठीक है, ये हो गया हमारा अनावसानी आवृत्ति, अनावसानी अनावर्ति। ठीक, अब शांत दशमलव प्रसार देखिए परिमेय संख्याओं में होता है। ठीक, अगर आप परिमेय संख्याओं को सॉल्व करेंगे तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अनावसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार में आएगा। ठीक है, और अनावसानी आवृत्ति क्या होगा? अपरिमेय संख्याओं में। अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं आपको पता होगा, जिसे आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, जहाँ कि वो जीरो बराबर नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। पी अपॉन क्यू के फॉर्म को हम, रूप को हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे हम इस रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक, तो अनावसानी अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अनावसानी आवर्ती, और शांत दशमलव प्रसार की जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम लोग ने समझ लिया कि अनावसानी आवर्ती, अनावसानी अनावर्ती और शांत दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। ठीक, जैसे हमें दिया है 0.375, तो ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। क्यों? क्योंकि 5 के बाद अगली कोई संख्या है नहीं। ठीक, अगर वो ऐसे दिखा दे, इसका मतलब संख्याएं रुक नहीं रही हैं, तो ये कौन सा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बिंदी तो लगी नहीं है, इसका मतलब शेषफल जीरो हो गया है और ये हमारे पास संख्या आ गई है। ठीक, अब इससे हम परिमेय संख्याओं में कैसे बदलें? ठीक, तो आपको पता होगा कि जब जीरो लिखा होता है तो अगर यहाँ हम पॉइंट हटा दें तो नीचे क्या हो जाता है? 10 लिखेंगे, 1, 2, 3, मतलब 3 की घात लग जाएगी, मतलब 3 जीरो। जब पॉइंट हटाते हैं जीरो लगता है, कितने जीरो लगेंगे वो संख्याओं पर निर्भर करता है, 3 संख्याएं 3 जीरो लग जाएंगे 10 के आगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं?
375 अपॉन 10 की पावर 3, ये हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ऐसे ही और भी एग्जांपल, जैसे 23.3408, 23.3408, ठीक। अगर आप पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 10, 1, 2, 3, 4, क्यों, क्योंकि इसमें चार संख्याएं दी हैं पॉइंट के बाद, तो ये कितनी हो गए, 1, 2, 3, 4, मतलब 10 की घात 4, 23, ठीक है, अपॉन में 10 की पावर 4। अब देखो ये p अपॉन q के फॉर्म में है, जहाँ q जो है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, इसी में हमें बदलने को कह रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है और 10 की घात में हर को ले आना है और ये परिमेय संख्या बन जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। अब देखिए 10 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 10 को आप 2 से तोड़ सकते हैं या तो 5 से। 10 किससे कटता है, 5 से कटता है या तो 2 से कटता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर दी गई संख्या है उसको जो है आपको 2 और 5 में तोड़ने की कोशिश करनी है, ना टूटे तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक। अगर टूट रहा है तो आप तोड़ सकते हैं, ठीक। देखिए 375 जो है वो टूट सकता है, अब जरूरी थोड़ी ना कि 2 में ही टूटे या 5 में या दोनों में टूटे, किसी में भी टूट सकता है। तो हमने 5 में तोड़ लिया, 5 की घात 3 इंटू 3 अपॉन 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, ठीक। अब 10, 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक। इसके बराबर 3 लगा दी तो 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, ऐसे हमने ये लिख दिया, ठीक। अब 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट गया, ठीक। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 बटे 2 की घात 3। तो ये हमारी फाइनल न्यूनतम रूप आ गया परिमेय, उस परिमेय संख्या का जिससे 0.375 आंसर आया था, ठीक। ऐसे ही अब इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, इसे 0.104 है, इसको आप सॉल्व करिएगा, जैसे 3.728 है, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक। आप न्यूनतम रूप निकाल लीजिएगा, ठीक। अगर 2 और 5 जैसे ऊपर नीचे कुछ नहीं कटा, ठीक, तो आप क्या लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया।